कंप्लीट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है ना कि दो तरह की प्रोग्रामिंग, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में और इसके अंदर सारे प्रोसेसिंग के जो प्रोग्राम है, अगर आपको इसको समझना है तो बहुत ही आसानी से समझ जाएगा कि पहले अगर मान लो कुछ सीखना, एक घर कैसे बनाते हैं।